तन से जुदा धमकी देने वाले अयोध्या के महंत हनुमान गढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सिर काटने के लिए 21 करोड़ से 21 लाख तक का इनाम देने की धमकी दी थी, ये उनका सार्वजनिक बयान है। अब तक केवल बात शीत युद्ध तक ही सीमित थी। फिर कत्ल की सुपारी दी जाने लगी। भगवा भेष में आतंकी छिपे हैं, ऐसे शब्द बाण चलने लगे। और फिर इतनी बिगड़ी कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बात समझ में आ जाए इसके लिए ये कहानी सुनानी पड़ेगी, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबानी। इसे समझिए हुआ यूं कि ताज होटल में एक जलसे में मौर्य भी मेहमान थे और महंत राजूदास भी शरीक होने पहुंचे थे, जिन्होंने मेरा सिर तलवार से कलम करने का कसम खाया था, जिसने मेरा सिर कलम करने के लिए 21 लाख रुपए की सुपारी देने की बात की थी, ऐसे चेहरे भी वहां मौजूद थे। स्वामी को आपत्ति हुई कि इस जलसे में उनके समय पर साधुओं को क्यों बुलाया गया जो उन्हें मारने की धमकी दे चुके हैं। स्वामी जी ने आयोजकों को साफ तौर पर कह दिया कि विवाद होगा इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। खैर, साधुओं को कहीं और बिठाकर स्वामी जी को बुलाया गया। ऑर्गेनाइजर को कहा कि अगर इनको बाहर नहीं निकाला गया तो मैं नहीं आऊंगा, और नतीजा बड़े जद्दोजहद के बाद ऑर्गेनाइजर की टीम के लोगों उनको बाहर निकाले, बगल एक कमरे में बैठाए, और जब मैं आश्वस्त हो गया तो यहां से गया। इस बाबत ट्विटर राजू दास महंत ने डाली थी जिसमें साफ लिखा था, स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ शिखर सम्मेलन में आने से मना करने लगा, पहले वहां राजू दास को वहां से हटाओ तब मैं कार्यक्रम में आऊंगा। स्वामी जी जब कार्यक्रम से निकले तो राजू दास और परमहंस दास ने उन्हें पीछे से टोका, जय श्री राम के नारे लगे। जवाब में मौर्य जी के कुछ लोगों ने जय संविधान की आवाज बुलंद कर दी। स्वामी जी के हिसाब से वो वहाँ रुके नहीं बल्कि सीधे निकल गए और बाद में समर्थकों के साथ ये कांड हो गया। स्वामी जी कह रहे हैं साधु फरसे और तलवार नुमा चाकू छिपा कर लाए थे और उनकी नीयत ठीक नहीं थी। Thank you.